नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज बात करेंगे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की। आज दोस्तों लगभग 13 तारीख है, लेकिन ये 11 मार्च का चार्ट है। जब मार्केट क्लोज हुआ था तब शेयर का प्राइस था 46 रुपये और 30 पैसे। लगभग 2 रुपये और 35 पैसे का मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, और इसका ट्रेडिंग में लगभग 4.83% के मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। और जब से बाज़ार ओपन हुआ था तब शेयर का प्राइस था 45 रुपये और 80 पैसे, अपर सर्किट गया था 47 रुपये और 50 पैसे का। तो कल 14 तारीख और कल मार्केट में क्या आपको तेज़ी देखने को मिली है? मार्केट फिर भी कल मार्केट डाउन रहेगा, तो क्या कुछ चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट देखोगे मार्केट में, आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कल मार्केट जब भी बाज़ार ओपन होगा, कल आपको 100% का अपर सर्किट तेज़ी देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए तो 40 रुपये का मेन सपोर्ट तो है, लेकिन 42 रुपये का प्राइमरी सपोर्ट है, और 42 रुपये के अंदर ही मार्केट में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। सूत्रों की माने दोस्तों लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक रिमर्स ये निकल करी कि कल मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगी, और कंपनी में अच्छा खासा भी काम तो शुरू हो चुका है, ठीक है। तो कल आपको दोस्तों लगभग 1 रुपया या फिर 2 रुपये से ज़्यादा का आपको मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगा। कल आपको खरीदारी करना है, सेल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अभी अगर आप खरीदारी नहीं करते हो, अभी आपके पास काफ़ी सुनहरा टाइम है, आपको कम प्राइस में शेयर मिल रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा हो सके अभी आपको खरीदारी करना है। काफ़ी आपको प्रॉफिट बना के देने वाला है, अभी इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा दम है। और पिछले दोस्तों एक हफ्ते में देखोगे आप लोग, पिछले एक हफ्ते में 7% का नुकसान हुआ है, लेकिन पिछले 3 महीने में 7% का हुआ है, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म में खेलना आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में देखना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करूँ, 11 मार्च का लगभग 61 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ काम हो रहा था। काफ़ी बढ़िया टाइमिंग के साथ लोगों ने खरीदारी किया है और खरीदार करेंगे। पिछले एक महीने में लगभग 49 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ काम हो रहा था, पिछले 10 तारीख से लेकर पिछले एक महीने से, लेकिन 11 तारीख में लगभग 61 लाख के साथ काम हो रहा है। मतलब अच्छा खासा तेज़ी बढ़ रहा है मार्केट में। और वहीं दोस्तों बायर सेलर्स का अपडेट की बात करें, लगभग 11 तारीख का लगभग 1648 लोगों ने सेल किया, मतलब सेलर्स अमाउंट ज़्यादा था, लेकिन अभी आपको खरीदारी करने का टाइम काफ़ी बेस्ट है।